नमस्कार, मी विलास आणे, डीडी न्यूज मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक घडामोडी। नमस्कार, मैं हूं विलास आणे, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सतत नागपुर में हूं और नागपुर के जो बलिदाजा संजोग केंद्र है, मराठा सेवा संघ का जो मध्यवर्ती कार्यालय देश का, वहां पे पहुंच रहा हूं। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तमाम जो किताबें हैं, ये सभी जो नए खोज करता है, संशोधन करता है, उनके लिए सारी व्यवस्था मराठा सेवा संघ ने की है। और मुझे लगता है कि आप जो छात्र है, पीएचडी करने वाले छात्र है, संशोधन करने वाले छात्र है, उनका वो लाभान्वित होंगे। ये तमाम सारी किताबें आपको देखना चाहूँगा। लाइब्रेरी में हूँ और यहाँ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। नागभूमि यानी नागपुर में मैं पहुँचा हूँ, मराठा सेवा संघ के मध्यवर्ती कार्यालय में, जो बेहतरीन कार्य दुनिया भर कर रहा है। और ये बलिराजा संशोधन केंद्र है, लाइब्रेरी है, यहाँ तमाम जो भी संशोधक छात्र हैं, यहाँ पर उनको भरी मदद इस केंद्र की हो रही है। और मराठा समुदाय का जो भी इतिहास है, तमाम दुनिया जानती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, शाहू महाराज, ऐसे ख्यातिकृत हो गए माँ जिजाओं को प्रणाम करते हुए आज मैं इनके साथ बातचीत करने वाले ऐसे प्रमुख हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय जीजा। जय जीजा सर। सर, कैसे चलता है आपका कार्य पूरा? नहीं, हमारे पूरा महाराष्ट्र में है ये मराठा सेवा संघ का जो कार्य है, ये फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं तो पूरी देश में, सभी भारत देश में और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा ये जो कार्यक्रम कार्य शुरू है, तो उसके हिसाब से कि मराठा से अपना जो समाज है, तो समाज को ये प्रबोधन करने के लिए अंधश्रद्धा वगैरह जो कुछ भी है, वो ये हमारे उस माध्यम से हम इसका ये कर रहे हैं मराठा समाज जी। और सर, बलिराजा संशोधन जो केंद्र है, तो क्या यहाँ पर छात्र संशोधन करके आगे जाएंगे? और कितने मतलब ऐसा है कि तमाम ऊर्जा का एक केंद्र ऐसा नागपुर? यस जी हाँ, बिल्कुल। बलिराजा संशोधन केंद्र ये जो है, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर की लाइब्रेरी हम यहाँ निर्माण कर रहे हैं। और उसमें पूरे देश में जो भी छात्र पीएचडी करना चाहते हैं, कोई इतिहास संशोधन करना चाहते हैं, उनके लिए हम यहाँ उनको यहाँ रखने वाले हैं और उनके रहने की व्यवस्था वगैरह सब करने वाले हैं। हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है रहने की व्यवस्था। तो महाराष्ट्र में जो भी हमारी शाखाएं हैं, वो शाखाओं को हम आदेश देंगे कि जो भी विद्यार्थी इच्छुक है वो यहाँ संशोधन करने के लिए, तो उनको आप भेजो ही यहाँ। और कम से साधारणतः एकाधे साल में कम से कम ये करने के लिए हमको एक साल लगने वाला है, तो एक साल के बाद में यहाँ पर पूरी तरह से यानी कंप्यूटर सब पूरा बिल्कुल हाईटेक हमारा, सारी तकनीकी व्यवस्था बिल्कुल टेक्निकली पूरा हाईटेक व्यवस्था यहाँ जी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए है। और मुझे लगता है कि तमाम जो संशोधक छात्र है, वो इस सारे काम का लाभ उठाएंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, रोड मराठा जो हरियाणा पंजाब में रोड मराठा चलाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमको दीजिए। रोड मराठा जो है, वो यहीं से जब पानीपत की लड़ाई के लिए जब गए थे, तो उसमें से वो जो युद्ध खत्म होने के बाद कुछ लोग वहीं पर रुक गए थे। अच्छा, वही स्थाई हो गए? वही स्थाई हुए थे। किसी कारण से जो कुछ लोग यहाँ वापस नहीं आ पाए या और जो भी कुछ समस्या होगी, जो भी कुछ कारण होगा, कुछ लोग वहाँ पे स्थाई हो गए थे। और जो स्थाई होने से उनकी एक अलग से कम्युनिटी बन गई, जो अपने आप को रोड मराठा करके बोलते हैं। लेकिन ये रोड मराठा जो है, ये मराठा ही है करके और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, ये किसी को मालूम नहीं था। इवन महाराष्ट्र, लेकिन मराठा सेवा संघ ने जब पूरे देश में मराठा सेवा संघ का जो कार्य चल रहा है, उसके तहत जब मराठा सेवा संघ के लोग वहाँ पे पहुंचे, तब पता चला, जब उन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तब पता चला कि ये सब लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र के लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन वहाँ का जो रोड मराठा है, वो रोड मराठा
तब भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती करता था और आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बहुत अच्छी। लेकिन सबसे बड़ी बात मराठा शासन संघ की वजह से ये हुआ कि उनको जो लगता था कि हमारे जो कुशनीति जो लोग है, हमारे जो पीढ़ियों के जो लोग वहाँ पे जो मराठा है जिनके साथ उनका परिचय नहीं था, आज उनका परिचय हुआ है। अब यहाँ तक ये हुआ है कि रोड मराठा लोग जो है वो यहाँ के लड़की करने के लिए भी तैयार है, अपनी लड़की भी यहाँ पे देने के लिए तैयार है। इतना एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक पहल होगी, सांस्कृतिक पहल होगी। क्या बात है, कभी महाराष्ट्र के किसी मराठा ने या महाराष्ट्र के किसी लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मराठा वहाँ पे हरियाणा में मिल जाएगा। अगर हम हरियाणा में जाते हैं तो कोई मराठा मिल भी सकता है करके ये कभी सोचा भी नहीं था। वो आज ये सांस्कृतिक ये इतनी जो उलट पुलट बोल सकते हैं आप उसको, अभी 400-500 साल के बाद 400 साल के बाद जो हुई है ये मराठा शासन संघ के वैचारिक परिवर्तन की वजह से। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए अनुभव। मैं आपसे बात करना चाहूँगा अनुभव, नागपुर में कैसे काम चल रहा है मराठा सेवा संघ? बढ़िया काम चल रहा है जी। तो सर आप भी बताइए कि क्या लगता है आपको कि वैश्विक पटल पर, जागतिक लेवल पर जिसे कहेंगे हम, संभाजी महाराज का छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र, शिवाजी महाराज का चरित्र तो तमाम देशों की भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज महाजिजाऊ का चरित्र जाना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, ये तो बात सही है कि संपूर्ण देश में या जागतिक लेवल पे राजमाता जिजाऊ और संभाजी महाराज का चरित्र हर लैंग्वेज में जाना चाहिए जी। जैसा हिंदी है, इंग्लिश है, जो अवेलेबल है, क्योंकि लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और दूसरा, जो लोगों ने उनका जो मतलब ये किया, गुमराह किया, उनका चरित्र जो रियल जो सामने नहीं है, तो वो रियल चरित्र सामने आना चाहिए। और वो बड़ा संशोधन केंद्र के माध्यम से जो भी मतलब उसमें जो संशोधन हुआ है नए तरीके से, वो उसका कारण वही है कि ये और बाकी लेवल पे जो अच्छा जो है, जो गलत है, वो गलत खत्म होने मुख्य उद्देश्य वही है कि जो रियल जो है वो पब्लिक के सामने आने चाहिए, जो सच्चाई है जनता के सामने। इतिहास का ये जो हमने जी लिया, ये संस्था जो बड़ी दर्जा संशोधन संस्था जो निर्माण करने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि अभी तक एक ही एक संस्था है पूरे भारत में, अगर किसी को अगर संशोधन करने का है, ये इतिहास के ऊपर अगर संशोधन करने का है, अभी केवल भारतीय लेखकी या भारतीय संशोधक की उसको वहाँ पे जाते ऐसी बात नहीं है। जब भारत का इतिहास लिखने के लिए जब बाहर से, जब फॉरेन से जो लोग आते हैं, जो परदेश से जो लेखक आते हैं या संशोधक आते हैं, तो उनके पास रेफरेंस के लिए महाराष्ट्र में केवल एक ही है, वो जो पुणे में है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इसके पहले, क्योंकि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जा रही है। और उसमें नतीजा ये है कि जिजाऊ के बारे में जब जेम्स लेन नाम किताब लिख रहे थे, तब जिजाऊ के बारे में जो उनको जो रेफरेंसेस दिए गए थे जो उस खास इंस्टीट्यूट ने, वो बहुत गलत तरीके से दिए थे कि जो कि संपूर्ण असमानजनक था ही, लेकिन उसके साथ साथ अपमानजनक थे। उसके बारे में उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने की है ये मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड ने की, वो एक दूसरी बात है। तो लेकिन जो लोग आते हैं उनको सही इतिहास मिलना चाहिए, सही रेफरेंसेस, उनको करेक्ट रेफरेंसेस मिलना चाहिए, ये यहाँ का ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ये बहिराज संशोधन संस्था का स्थापन करने का, हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है माननीय पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब है, हमारे सचिव महासचिव मेहकर साहब है, इन लोगों का और ये सारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी जो है जिसमें लड़के साहब भी है, ये सब केंद्रीय कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी कोई संशोधन करने का था कि हमारे यहाँ पे आने के बाद हमारा विकृत इतिहास हम लोगों को बताएंगे और वो सारे दुनिया में हमारा विकृत इतिहास देंगे, इसमें हमारी बदनामी है, हमारे देश की बदनामी है, हमारे देश का सही इतिहास सही है, चाहे वो उस वक्त सही था या नहीं था ये बात अलग है, उसके एनालिसिस वो अपने स्तर पर करेंगे, लेकिन लोगों के पास जो भी है सही रेफरेंस जाना चाहिए। इसलिए और मराठा सेवा संघ ने यही सही रेफरेंस लेके आज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तारा राणी, जिस तारा राणी ने औरंगजेब के साथ आखिर तक लड़ाई की, ये सब इतिहास जो है, ये सारा सही इतिहास जब लोगों के सामने में आज गया हुआ, तो आज किसी की हिम्मत नहीं है कि संभाजी महाराज के बारे में जो लिखा गया था
आज से 20 साल पहले जो संभाजी महाराज के बारे में बोला जाता है, आज संभाजी महाराज के बारे में कोई बोल नहीं सकता है सर। आज संभाजी महाराज का तो कर्तृत्व शिवाजी महाराज से एक कदम आगे था। ऐसा उनका इतिहास है, जो सही इतिहास हमने जब लोगों के सामने भी रखा तब लोगों को पता चला। तो हमारी मंशा ये है कि इस माध्यम से लोगों के पास सही इतिहास जाए। लोगों के पास सही इतिहास तभी जा सकता है जब आपके पास सही रेफरेंसेस आप लोगों को। तो ये ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक या ऐतिहासिक ये इसके बारे में अगर किसी को संशोधन करने का है तो उसके पास उसको सही रेफरेंसेस चलेंगे, ताकि जो भी लिटरेचर लोगों के पास जाएगा, जो भी लिटरेचर समाज के पास जाएगा, भारत के पास, भारत के लोगों के पास जाएगा, वो सही और करेक्टेड लिटरेचर जाएगा। ये हमारी मंशा है और इसीलिए ये बनिराजा संशोधन केंद्र स्थापन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य। बहुत ही उमदा किस्म की बात सबने की है और मराठा समाज का जो उजाजवल इतिहास है, उजापूर्ण इतिहास है, तमाम दुनिया के हर भाषा में जाना चाहिए। माँ जिजाऊ, माँ तारामाई और छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हर भाषा में हर तबके के लोगों को सच्चाई मालूम होना चाहिए कि मराठा भाषा किस तरह से मराठा सेवा संघ किस प्रकार से समर्पित भाव से अपना कार्य कर रहा है। मैं उनको सलाम करता हूँ और मराठा सेवा संघ के बारे में एक छोटा सा शेर आपके सामने कर रहा हूँ। है तेरे पास पुरानी मजार का किस्सा, यहाँ तो रोज नए मकबरे बनाते हैं। है तेरे पास पुरानी मजार का किस्सा, यहाँ तो रोज नए मकबरे बनाते हैं। तेरी चाल है बहती नदी के द्वारा, जो पुत्रों का सीना तोड़कर रास्ता अपना बना।